हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिया पप्पीज ऑफ अड्डा। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ आप लोग को पता चल ही गया होगा, बिहार पुलिस के जब 351 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम डेट का इंतजार कर रहे थे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, वो नोटिफिकेशन अपडेट हो चुकी है और CSBC जो है पूरी तरह से एग्ज़ाम को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लेने की पूरी रणनीति बना चुकी है। अब आपको रणनीति जो बनाना है वो पढ़ाई करने का रणनीति बनाना है, क्योंकि 7 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है 27 अगस्त तक। सरकारी वेबसाइट पे सारा नोटिफिकेशन आप देख लेंगे। और बात करें हम कि एग्ज़ाम जो होगा हर दिन एक शिफ्ट में होगी, और आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अपडेट होगी। एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा। और हाँ, 12 से 2 के बीच आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, तो आपको 9 बजे तक एंट्री दिया जाएगा। और बात करें हम कि CSBC क्या एग्ज़ाम में बदलाव किए हैं, तो आइए जानते हैं। पहले तो आप लोग जा कर के शेड्यूल देख लीजिए, और हाँ, 15 तक में पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन दिन है, कैसा हो रहा, मतलब कौन सा दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको पूरी जानकारी जो पड़ेगी, पूरी जानकारी जो आपको पता चलेगी, वो एग्ज़ाम से 7 दिन पहले पता चलेगी, 7 दिन पता चलेगी। तो आप लोग क्या करिए ना कि पढ़ाई का रणनीति बनाइए। और हाँ, एग्ज़ाम जो होगी एकदम नीट एंड क्लीन होगी। CSBC मतलब पता है कितना घाटा लगता है अगर एक बार एग्ज़ाम कैंसिल होता है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में पैसे लगती है इधर का उधर। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम मदर सेंटर होगी तो होम सेंटर होगी। अरे पढ़ाई करो ना, जब आप पढ़ाई करोगे तो क्यों डरोगे, और मैं पढ़ाई को लेकर विशेष बात, जो नोटिफिकेशन आया वो तो आप लोग सरकारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके देख लो। नोटिफिकेशन देखने का मुझे टाइम नहीं मिला, मैं थोड़ा बिजी थी। तो आप क्या करो ना कि 8 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा दो, क्योंकि आपके मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए हैं, इस भर्ती की प्रक्रिया जैसे कंप्लीट होती है, जैसे संपन्न होती है, वैसे ही आपको न्यू वैकेंसी दे दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं, वो स्टूडेंट मनोबल को छोटा ना करे, उसकी भी भर्ती होगी। बस आपको पढ़ाई को लेकर मनोबल छोटा करना है। जैसे आप खाना के बिना नहीं रह सकते हो, वैसे आपको पढ़ने, अगर पढ़ाई नहीं की तो खाना नहीं, पढ़ाई नहीं तो खाना नहीं। देखो बाबू, लोग भले दादा भरोसे होते होंगे, लेकिन हम मिडिल क्लास वाले हैं, हम लोग फैमिली वाले हैं ना, तो भाई साहब हमको सभी तरह से मेहनत करनी होती है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, हमारे बड़ी बहन होती है शादी करने के लिए, हमारे पापा का इलाज कराना होते हैं, हमें तो 2 से 3 साल से ज़्यादा मौका भी नहीं दिया जाता है कि भाई तुम पढ़ो, हम तुम्हारा खर्चा भेजेंगे। अगर 2 साल से ज़्यादा पढ़ोगे ना तो मम्मी पापा, इनफैक्ट भाई बहन जो पढ़ाता है आपको, अगर आपके पापा पढ़ाते हैं तो आपके पापा यही बोलेंगे, इससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं दूंगी। मैं भी बोल देती हूँ पप्पी को, क्या बताऊँ मैं, गुस्सा होती हूँ, मैं बोलती नहीं हो पाएगा, जबकि हम देते नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं माँ बाप क्या बराबरी कोई नहीं कर सकता। बिहार पुलिस का आपका 1 महीना टाइम है, आपको अभी से, अगर देखिए हाँ, स्कोर कैसे बढ़ाना है, तो स्कोर आपको कैसे बढ़ाना है ना कि प्रीवियस ईयर बुक को देखना है। आप प्रीवियस ईयर बुक को देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप की पूछी जाती है। ना हिंदी में आप शेक्सपियर बनोगे, ना मैथ में, सॉरी इंग्लिश में ना आप शेक्सपियर बनोगे, ना मैथ में आर्यभट्ट बनना है, ना हिंदी में प्रेमचंद बनना है। हम मिडिल क्लास वाले हैं, हमें उतना ही पढ़ाई करनी चाहिए जितना में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब भाई साहब हम क्या ही बताएं, कहते हैं ना कि बिहार पुलिस में सब मिडिल क्लास वाले ही जाते हैं, तो अब मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर एक नौकरी करते हैं आप घर पर तो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, भाई की, बहन का, परिवार का, चाचा का, समाज का, सबका जिम्मेदारी होती है। तो आप इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए काबिल हो जाइए। और हाँ, कुछ भी नहीं करना है, अगर 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 10 घंटा पढ़िए, हड्डी है तो मांस लगेगी। और फिजिकल कैसे करना है, कटअप कितना पे जाएगी, वो सारा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देखो, मैं नोटिफिकेशन से ज़्यादा आप लोग को अपडेट करने में रहती हूँ कि पढ़ाई कैसे करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन सरकारी वेबसाइट पे जाके सब सर्च मार ही लेते हैं, इतने यूट्यूबर हैं, दे ही देते हैं। बस पढ़ाई को लेकर के मुझे
झूठ का व्यू नहीं चाहिए, मुझे झूठ का लाइक नहीं चाहिए, झूठ का कमेंट नहीं चाहिए, ये भाई नोटिफिकेशन आया दे दो, नोटिफिकेशन ये है बढ़ा चढ़ा के बोल दो, नहीं, जो नोटिफिकेशन है वो सरकारी वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिए, कब कब आपका एग्ज़ाम, हाँ 7 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है और एक दिन में एक ही एग्ज़ाम होगी, 12 से 2 एग्ज़ाम होगा, 9 बजे तक आपकी एंट्री होगी, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड के बिना तो कोई भी परीक्षा में एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है और 70% क्वेश्चन जीके जीएस रहती है, तो उस पर भाई फोकस करनी ही करनी है, रिविज़न करना है, सिर्फ रिविज़न करना है। अगर प्रैक्टिस सेट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये नहीं सोच के बैठ जाना यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, प्रैक्टिस सेट में कम मार्क्स आ रहे हैं, नहीं, जो टॉपर होते हैं ना उनकी भी हालत दयनीय होती है, जो पीछे में बैठते हैं उनकी हालत भी टॉप मोस्ट पे होती है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करके चलना है। हम मिडिल क्लास वालों को मोटिवेट की ज़रूरत नहीं है, मम्मी की फटी साड़ी और पापा के टूटे चप्पल से ही हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। ऑल द बेस्ट।